चलते हैं। देखिए जो मिक्सचर पढ़ रहे हैं हम 11800 की बुक से, इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। अब देखिए पार्ट चलते हैं, इसकी लास्ट टाइप रह रही है टाइप नंबर 4। इसमें 6 सवाल दिए हैं, तो 6 के 6 इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलते हैं देखिए सीधा पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है, अम्ल तथा जल का अनुपात भी बता दिया 4:3 है, और मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए ताकि जल की मात्रा उतनी ही मिला दी जाए। तो आप ऐसे लिख लें, एक तरफ तो बताया क्या नाम है इन्होंने अम्ल और एक तरफ बताया वाटर, तो एक तरफ तो एसिड लिख देंगे और एक तरफ वाटर। बताया कितना, 20% अम्ल है। जब 20% अम्ल है तो ये जो मिलाया जाएगा अपने आप में वाटर, वाटर वाटर लेके चल रहे हैं, 20% तो अम्ल है तो वाटर कितना होगा 20, अब मिलने वाला होगा वो अपने आप में भी कितना होगा 100। तो आप एक काम करें, इसे ओवरऑल देखें कैसे निकाल के लेके आएंगे। हमें बताया एसिड और इसका रेशो कितना 4:3, तो जब आप यहाँ से निकालेंगे है तो कितना वाटर 3 है, कितने में से टोटल 7, और गुणा कितना कर दे 100, तो यह आ जाएगा 300 और बटे में कितना 7, तो यहाँ लिख देंगे 300 बटे में कितना 7। इसे घटा के इधर लिख देंगे 400 बटे में कितना 7, इसे घटा के यहाँ लिख देंगे कितना 160 बटे में कितना 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से 8 5 40 और 5:2 कितने का आना चाहिए, 5:2। उसने पूछा कि उतनी मात्रा में पानी निकाल दिया जाए, तो देखें काम करें डब्लू का मान बता दें, है तो कितना 2 और है कितने में से टोटल 7, तो 2/7 आना चाहिए था पहले का आंसर, 2/7 डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दूध वाला मिला के 9 रुपये प्रति लीटर बेचता और 20% के हिसाब से शुद्ध को बता रहा 10 रुपये प्रति लीटर, तो दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछ रहा कितना, टोटल कितना 120 लीटर। टोटल बताया ना इसने कि एक दूध वाला 9 रुपये 20% के हिसाब से, तो ये 120 का मान दे दिया कितना हमारे पास 9, ठीक है। अगर वो 20% का लाभ होता तो 100 में जोड़ेंगे 120 और 9 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता, तो यहाँ से आप 100 का मान निकाल दें कितना आएगा 7.5, तो एक तो 10 रुपये और एक जियो ओवरऑल पे कितना बताया 7.5, तो 7.5 रख देंगे। अब बस आप घटा दें 10 रुपये के हिसाब से था, इसको घटा दें, इसको लिख देंगे यहाँ पे 7.5, इधर लिख देंगे 2.5, काट देंगे 25 या 75 और 25 एकम 25, 3:1 का आना चाहिए, 3:1 पहले वाला ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर बेचकर 25% लाभ कमाया, दूध और पानी मिला दिया, तो पानी और दूध का अनुपात क्रम से कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए जो CP होता है वो मान लेते हैं अपने आप में कितना 100%, तो SP 25% के लाभ पर बिका होगा, तो कितने का 125 का, तो 125 की चीज़ है 100 के हिसाब से, 25 × 125 और 25 × 100, तो अब इसमें यह है कि टोटल में 4 में ये 5 है, तो 5 में से 4 हटाऊंगा तो कितना बचेगा 1 लीटर, तो W और इसका मान पूछा था 1:4, ऑप्शन नंबर D वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक फॉर्मूला है, सीधा आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना इसमें जब कभी भी निकालो। देखिए टोटल तो बताया वो 80 बार लिख लेंगे, जितना निकाला गया 20, निकाला कहाँ कैसे गया वो नीचे लिख लेंगे 80, और ये कितनी बार प्रोसेस है वो ऊपर रख देते हैं, पावर कितनी 2, बस इसको आप हल कर लेंगे 80, इसे काट देंगे कितना 40 बार पर, इससे 4 बार पर 4 में से 1 जाएगा कितना 3/4, और यहाँ भी 3/4, 4 से 4 × 8, 4 से काट देंगे 5, 3 × 9 और 9 × 5 = 45 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए 5 में आपसे क्या कह रहे हैं, 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 5 और 2 रुपये प्रति किलोग्राम के 20 गेहूं के साथ मिलाएं ताकि महंगे और गेहूं का सस्ता अनुपात पूछा, ये सिंपल ही रख देंगे, एक तरफ 18 और दूसरी तरफ कितना बताया इन्होंने, एक तरफ तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरा बताया 5 रुपये प्रति किलोग्राम की, ओवरऑल पर कितने का हो जाए बताया 20 रुपये प्रति किलोग्राम का हो जाए, ये बताया कितना 2 किलोग्राम है और ये कितना 5 किलोग्राम, 18 में से 20 में से 18 जाएंगे तो यहाँ कितना आ गया 2, अब यहाँ देखें 2 का अनुपात आ गया और हमारे पास से भी 2 था, तो 2 का मान क्योंकि 2 = 2 के, तो 1 का मान 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर अब देखें किसका मान रखूँ कि यहाँ पर ही आ जाए हमारे पास, तो आप यहाँ पर रख दो 5, कितने का मान रख दो 5, क्योंकि ओवरऑल उसने बताया ना 5 किलोग्राम चावल है, तो ये 5 किलोग्राम चावल की वैल्यू भाई 1 का वैल्यू 1 के बराबर, तो 5 × 1 में करूँगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ कितना होना चाहिए, तो ओवरऑल 25, 5 अब मिले हैं तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे कितना जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 में से 20 जाएंगे, 5 ये मिले होंगे, तो 20 में भी 5 जोड़े तभी तो ये 25 आ जाएगा, तो ओवरऑल कितने का होगा 25 का हो जाएगा। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
कह रहे हैं एक दुकानदार चावल को दो किस्में में जिसमें 40 रुपये प्रति किलोग्राम के 47.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 645 की लागत से 15 रुपये मिश्रण से तैयार किए जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 47.50 रुपये प्रति किलोग्राम में कितनी पड़ी है। तो आप ऐसे लिख लें, एक तरफ तो बताया 40 रुपये और एक तरफ बताया 47.5, ओवरऑल बीच में लिख लेंगे कितना 43, घटा देंगे इसको आप जितना आपसे कट रहा काट देंगे, 43 मैंने आपको बता ही दिया कितना है टोटल पैसा जो दे रखा 645, और उसका 15 जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 43, इसे घटा देंगे इधर 4.5/10 और इधर घटाएंगे तो कितना आएगा 30, बस रेशो हल कर लेंगे, 45 रेशो कितने का हो जाएगा 30, तो मतलब 3:1 कितने का 2 का, 5 का वैल्यू दे दिया था 15, तो 2 का वैल्यू निकाल देंगे कितना आ जाएगा 3 5 3 5 3 15 और 3 2 6, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।